इस छोटे से बच्चे के पोस्टर ने नासा के वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा डाउट क्लियर कर दिया। बात है अभी से कुछ ही हफ्तों पहले की, जब पॉडकास्टर और रेडियो लैब नाम के रेडियो शो में को होस्ट लतीफ नसीर अपने छोटे बेटे के कमरे में घुसे तो उनका ध्यान उनके बच्चों के कमरे में लगे सोलर सिस्टम के पोस्टर पे गया। ब्रिटिश आर्टिस्ट एलेक्स पोस्टर द्वारा बनाए गए इस पोस्टर में वीनस के ऊपर एक नए ऑब्जेक्ट को पोर्ट्रे किया गया, जैसे कि वो ऑब्जेक्ट वीनस यानी कि शुक्र ग्रह का चंद्रमा हो। एंड दिस वाज स्ट्रेंज। चाहे आप किसी भी सोर्स को उठा के क्यों ना देख लो, उसमें आपको यही बताया जाएगा कि वीनस सोलर सिस्टम के उन चुनिंदा ग्रहों में से एक है जिसके पास खुद का कोई चांद है ही नहीं। हमारे सोलर सिस्टम में वीनस और मर्क्यूरी के पास अपना कोई भी चांद नहीं है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के बारे में जब लतीफ ने रिसर्च करनी शुरू की तो उन्हें कुछ ऐसा पता चला जो दुनिया भर के वैज्ञानिक बीते कई दशकों तक नोटिस ही नहीं कर पाए थे। क्या बच्चों के पोस्टर में छपा यह ऑब्जेक्ट सच में वीनस का मून था? और अगर हाँ, तो वैज्ञानिक कभी भी इसके बारे में पता क्यों नहीं लगा पाए थे? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर पूरे सोलर सिस्टम में वीनस इकलौता ऐसा प्लैनेट क्यों है जो बाकी प्लैनेट से ऑपोजिट रोटेट करता है? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। अब देखो, नसीर कोई छोटा मोटा पॉडकास्टर नहीं था, बल्कि वो हार्वर्ड के हिस्ट्री ऑफ साइंस डिपार्टमेंट से पीएचडी करने के साथ साथ नेटफ्लिक्स में मौजूद साइंस डॉक्यूमेंट्री सीरीज कनेक्टेड के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी थे, जिस वजह से उनके भी इस फील्ड में कम कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। और अपने उन्हीं ढेरों कॉन्टैक्ट्स में से एक लीज लैंडाउ को उन्होंने यही माइंड ब्लोइंग चीज देखने के बाद क्लैरिफिकेशन के लिए कॉन्टैक्ट किया। लीज के पास ना सिर्फ स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में काफी एक्सपीरियंस था, बल्कि करेंटली वो नासा हेडक्वार्टर्स में सीनियर कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट की तरह काम कर रही थी, जिस वजह से शी वॉज द बेस्ट फॉर क्लैरिफाइंग एनी काइंड ऑफ डाउट। अब देखो, उस आर्ट में ना वीनस की उस कंपेनियन ऑब्जेक्ट को जूजवे नाम देकर पोर्ट्रे किया गया था, या एटलीस्ट उसे ऐसा लिखा गया कि नसीर तो क्या हर कोई उसे वही ही पढ़ता, जिस वजह से उन्होंने यही नाम लीज को एज इट इज बता दिया। बट द थिंग वॉज कि इंटरनेट की तरह ही लीज के पास भी ऐसे किसी ऑब्जेक्ट की जानकारी नहीं थी, मीनिंग कि यह ऑब्जेक्ट कभी नासा द्वारा भी नहीं रिकॉग्नाइज किया गया था। बट फिर आया एक इंटरेस्टिंग टर्न। जब इस नाम का कुछ भी नहीं मिला तो लीज तो ये तक मानने को तैयार हो गई थी कि ये बच्चों के पोस्टर पे किया गया कोई प्रैंक होगा, मगर तभी उनका ध्यान जुजुवे के राइटिंग स्टाइल पे गया। शी नोटिस्ड कि जुजुवे में ZOOZ वर्ड 2002 की तरह भी दिख रहा था, और जब उन्होंने यही चीज नोटिस करने के बाद डेटाबेस में 2002 VE सर्च किया, तब उन्हें फाइनली कोई रिजल्ट मिल गया। ग्यारह नवंबर 2002 के दिन खोजा गया 2002 VE 68, करीब 230 मीटर चौड़ा एक ऐसा एस्ट्रॉइड था जो वीनस के पास उस दौर में स्पॉट किया गया था। नाउ बीइंग एन एस्ट्रॉइड, ये सो कॉल्ड जुजवे वीनस का मून नहीं था, मगर इसके बावजूद ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जुजवे वीनस के किसी मून की तरह ही लगातार उसे ऑर्बिट कर रहा है, जिस वजह से उसे इन दोनों ही स्टेजेस के बीच में रखा गया और एक क्वाजी मून डिक्लेयर किया गया। अब ये क्वाजी मून क्या होता है और ये नॉर्मल मून से अलग कैसे होता है, आइए ये जानते हैं। तो देखो, एक चंद्रमा अपने गार्डियन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो मैक्सिमम केसेस में प्लैनेट होते हैं उसके डायरेक्ट ग्रेविटेशनल बाउंड में बंधा हुआ रहता है और बिना किसी इंटरफेरेंस और कंडीशन के सिर्फ उस प्लैनेटरी बॉडी को ही ऑर्बिट करता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर लूना को ही देख लीजिए। लूना यानी कि हमारा मून अर्थ के डायरेक्ट बॉन्ड में रहता है और सोलली अर्थ का ही चक्कर काटता रहता है, ना कि हिडन फॉर्म में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का। इसके अलावा दो फैक्टर्स और होते हैं जो कि किसी मून को मून बनाते हैं। पहला तो उस मून का प्लैनेट पर डालने वाला असर, जैसे कि अर्थ के मून की वजह से धरती पर टाइड्स बनती है, और दूसरा उस मून का उस प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ परमानेंटली घूमना, जैसा लूना बिलियंस ऑफ इयर्स से अर्थ को ऑर्बिट करता आया है और आगे भी वो अर्थ को ही ऑर्बिट करता रहेगा। अब देखो, ये वो तीन कंडीशंस है जो किसी ऑर्बिटिंग बॉडी को ट्रूली एक मून बनाती है, मगर एक क्वाजी मून में ये तीनों ही फैक्टर्स नहीं होते। क्वाजी मून किसी प्लैनेट को नहीं बल्कि सूरज को ऑर्बिट करता है, मगर सूरज को ऑर्बिट करने के अपने पीरियड में ये ऑब्जेक्ट्स बीच में किसी प्लैनेट की ग्रेविटी में स्टक हो जाते हैं,
जिसे प्लैनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो ऑब्जेक्ट उस प्लैनेट को ऑर्बिट कर रहा हो, ना कि सूरज को। अभी भी नहीं समझे तो जरा इस ग्राफिकल एनिमेशन को देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे ज़ूज़वे ऑर्बिट सूरज को ही कर रहा है, मगर इतने करीब से और वीनस के इतने पैरेलली, जैसे मानो वो कोई एस्ट्रॉइड ना होकर के वीनस का चांद ही हो। और इसी पार्शियल क्वालिटी की वजह से इसे क्वाजी मून कहा जाता है। अब दोस्तों, इसके अलावा ना एक नॉर्मल मून की तरह ही ये अपने प्लैनेट पर भी उतना इंपैक्ट नहीं करता, और तो और इसकी पोजीशन भी चेंज होती रहती है। अब अगर ज़ूज़वे की ही बात करें तो ये बीते 7000 सालों से ही केवल वीनस के चक्कर काट रहा है। उससे पहले ये अर्थ का क्वाजी मून हुआ करता था, मगर जब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुश ने इसे अपने ऑर्बिट से बाहर निकाल दिया ना, तो ये वीनस के ऑर्बिट में स्टक हो गया और तब से अब तक वहीं पर पड़ा हुआ है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ज़ूज़वे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है। आज से करीब 500 साल बाद एक बार फिर से यह वीनस का ऑर्बिट छोड़के एस्ट्रॉइड के एक नए सफर पे निकल जाएगा, मगर कहां ये कोई नहीं जानता। मगर इस छोटे से मिस इंटरप्रिटेशन ने लिटरली कमाल कर दिया था। पर कैसे? पर इसके पीछे एक अमेजिंग स्टोरी है। दरअसल इस तरह के मिस इंटरप्रिटेशन एस्ट्रोनॉमी में कॉमन है, क्योंकि देखो कई बार ना अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को गलत समझ लिया जाता है, मगर लतीफ द्वारा बार बार इस ऑब्जेक्ट को ज़ूज़वे बुलाना इतना पॉपुलर हो गया कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को नाम देने का काम करती है, उसने लिटरली इस ऑब्जेक्ट को ऑफिशियली ज़ूज़वे नाम से आइडेंटिफाई कर दिया। और कुछ इस तरह से एक 2 साल के बच्चे के बेडरूम में टंगे पोस्टर ने सोलर सिस्टम के क्वाजी मून को उसकी आइडेंटिटी दे दी। हाउएवर, ये तो हो गई वो बात जिसके बारे में कोई पता नहीं लगा पाया, पर वीनस की मिस्ट्रीज यहीं पर खत्म नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, क्या आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स, इवन जुपिटर भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, यानी कि लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में, पर सिर्फ और सिर्फ वीनस और यूरेनस को छोड़कर। पर वीनस यहाँ पर सारे प्लैनेट से इतना अलग क्यों है? क्या इसके पीछे कोई ऐसा रीजन है जो कॉस्मोस की मिस्ट्रीज को छिपाए हुए है? तो देखो, जब हमारे सोलर सिस्टम की संरचना हुई थी ना, तब सब कुछ गैसेस और डस्ट के रूप में मौजूद था, इतना तो हम सभी जानते हैं। अब जैसे ऐसे समय बीतता गया, वो सारी डस्ट और गैसेस कोलैप्स होने लगी और कोलैप्स होकर रोटेट होने लगी। अब ये रोटेशन कॉस्मोस के कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब कोइंसिडेंटली उस वक्त कॉस्मिक कंडीशन कुछ इस तरह की थी कि उन गैसेस ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर दिया था, और यही कारण है कि आज से 4.5 अरब से भी ज्यादा साल पहले जब सोलर सिस्टम की संरचना हो रही थी, उस वक्त सूरज और सभी प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया करते थे, इंक्लूडिंग वीनस एंड यूरेनस आल्सो। अब हाँ, सोलर सिस्टम के इनिशियल डेज में वीनस और यूरेनस, ये दोनों ग्रह भी बाकी सभी ग्रहों की तरह ही काउंटर क्लॉकवाइज ही रोटेट किया करते थे। मगर फिर इसके बाद क्या हुआ? एलियन इन्वेजन? वेल, ऐसा कहा जा सकता है, अगर इस कैटेगरी में आप एलियन प्लैनेट को भी कंसीडर कर रहे हो तो। अब देखो, जब सोलर सिस्टम नया नया बना था ना, तो वो आज की तरह शांत और इतना सॉर्टेड नहीं था। न्यू क्रिएशन की वजह से यहाँ पर ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स घूमा करते थे, और ढेरों ऐसे प्लैनेट लाइक स्ट्रक्चर्स भी मौजूद थे जिनका साइज मार्स के लेवल पे या उससे भी बड़ा हुआ करता था। अब देखो, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स जितनी जगह सोलर सिस्टम के एरिया में नहीं थी, जिस वजह से उस वक्त का सोलर सिस्टम इतना मेसी और वायलेंट हुआ करता था कि आए दिन कोई ना कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराया करता था। हमारे मून की क्रिएशन भी तो एक बड़े ऑब्जेक्ट के अर्थ से टकराने के बाद ही हुई थी, जिसे हम प्लैनेट थिया कहते हैं। अब वीनस और यूरेनस के इसी ऑपोजिट रोटेशन को लेकर भी जो सबसे पॉपुलर और ट्रस्टेड थियरी है, वो भी कोलिजन एंड रेट्रोग्रेड मोशन की ही है। देखो, इस थियरी के हिसाब से अपने अर्ली डेज में वीनस और यूरेनस दोनों ने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के साथ एक साइग्निफिकेंट कोलिजन फेस किया होगा, जिस वजह से इन कोलिजन फोर्सेस के कारण इन दोनों की ओरिजिनल रोटेशन डिस्टर्ब हो गई होगी और ये दोनों ऑब्जेक्ट्स उल्टी दिशा में रोटेट करने लगे होंगे। नाउ, हमारे सोलर सिस्टम के केस में रोटेशन के डायरेक्शन पर हमारा सूर्य या कोई और ऑब्जेक्ट इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता, जिस वजह से क्लॉकवाइज रोटेशन शुरू करने के बाद ना तो किसी एक्सटर्नल फोर्स ने उनकी रोटेटिंग डायरेक्शन चेंज करी, और ना ही फिर कोई ऐसी कोलिजन वाली घटना जिसने यूरेनस और वीनस पर पड़ने वाले इन इफेक्ट्स को अंडू किया हो, जिस कारण से इनकी रोटेशन डायरेक्शन फिर कभी भी डिसरप्ट ही नहीं हुई, और तब से लेकर आज तक ये क्लॉकवाइज ही रोटेट करते हैं। हालांकि जाते जाते आपके लिए एक सवाल, और वो ये कि नवंबर 2002 में ज़ूज़वे की खोज किसने और कहां की थी? अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, और हाँ देखो, चीटिंग मत करना गूगल करके। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।